मेरे प्यारे दोस्तों पप्पी प्रेमियों, आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ, जैसे आप पप्पी पालने के बारे में सोच रहे हैं तो पप्पी तो आप खरीद लेंगे, लेकिन सबसे ज़रूरी है कि उसको खरीदने के बाद क्या करें। जैसे आपका पप्पी 30 या 35 दिन के आप खरीद रहे हैं तो आप सबसे पहले उसको एक सिरलेक आता है या फिर उसका पप स्टार्ट करके आता है, आप उसको पानी में सुसुम पानी के साथ उसको पिला के, और इसके बाद 10 दिन बाद जब आपका पपी 45 दिन का हो जाता है तो आप उसे स्टार्टर फूड किसी भी कंपनी का, या आरसी का हो या पेडिग्री का हो या फोकस का हो, आप उसे दें। और इसके बाद सबसे मायने रखता है उसका डिवर्मिंग। बहुत सारे लोग क्या होता है कि जैसे आप खाना पीना सब सही है और डिवर्मिंग लोग नहीं करा पाता है, तो सबसे ज़रूरी है डिवर्मिंग। जैसे आप ये देखिए, ये हो गया आपको डिवर्मिंग, ये सब बहुत सारा कंपनी का आता है डिवर्मिंग। और ये डिवर्मिंग जैसे आप उसको देना क्या है कि जैसे आपका पपी अगर 1 किलो का है तो आप उसे 1 ml पिलाएं, अगर आपका पपी 3 किलो का है तो 3 ml पिलाएं, और हर एक 15 दिन बाद इसे आप रिपीट करें। और ये देने के बाद 3 दिन या 5 दिन बाद आप उसे वैक्सीनेशन कराएं। तो बहुत सारे लोगों को क्या होता है कि वैक्सीनेशन के बारे में नहीं समझ पाते हैं कि मैं वैक्सीनेशन कैसे करूँ, कब दूँ। आदमी ये किसी को बता पाए कि अभी 3 महीना बाद देना है या 4 महीना बाद देना है या 2 महीना बाद देना है, लेकिन नहीं, वैक्सीनेशन का उसका स्टार्ट मतलब 45 दिन बाद डिवर्मिंग कराने के 2 दिन बाद उसे आप वैक्सीनेशन कराएं। और वैक्सीनेशन एक अभी लगेगा, चाहे किसी भी कंपनी का आप लगाएं, 5L4 लगाएं या 9-in-1 कोई कोई बोलता है, लेकिन जिसमें 9 या 9 बीमारी का हो उस वाला वैक्सीन आप लगाएं। तो सबसे पहले ये है कि आप आज वैक्सीन लगवाते हैं उसको, फिर आज से 21 दिन बाद उसको मतलब आप रिपीट करें, ठीक है। और इसके बाद आप रेबीज लगाएं, 1 सप्ताह बाद रेबीज लगाएं, और रेबीज को भी फिर 21 दिन बाद आप रिपीट करें, तो आपका डॉग का मतलब 1 साल का कंप्लीट हो गया, और पूरे जीवन पर्यंत आप उसे प्रत्येक साल में एक देना है, एक वैक्सीन 9-in-1 या 5L4 और एक रेबीज, और रेबीज किसी अच्छी कंपनी का ही लगवाएं तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। इतना के बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आऊँगा। धन्यवाद।